बस तुम किसी तरह रोशनी को यहाँ से लेके चले जाओ। अगर बड़ेपा ने मुझे पुलिस के हवाले कर दिया तो फिर? वो ऐसा नहीं करेंगे, और पुलिस की मदद तो तुम्हें लेनी चाहिए। उन्होंने तुम्हारी बीवी को जबरदस्ती रखा है। मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है कि मैं ये सब कुछ मैनेज कर सकूं। दस लाख इतना ही काम खत्म होने के बाद दूंगी। दस लाख इसमें तो हम सबका बहुत अच्छे से गुजारा हो जाएगा। अब भी जान ने करोड़ों की जायदाद नाम कर दी है रोशनी की। बेफिक्र रहो, किसी चीज की कमी नहीं होगी तुम। मुझे यकीन है। जा रही हूं मैं, इंतजार रहेगा तुम्हारा। बिल्कुल रानी बीबी, जहां इतनी कुर्बानियां दी हैं वहां पे कुर्बानी आपके लिए भी सही। कितनी चालाक लड़की निकली है ये। कितना उसे समझाया था कि अब्बा जी के सामने इनकार कर दे, लेकिन मचाल है कि उस पे कुछ असर हुआ। लेकिन बॉल अभी भी हमारे ही कोर्ट में आएगा मामा, बस थोड़ा सा सब्र कर लें। क्या क्या उसने खुला के पेपर पे साइन कर दिए? तो अभी खुला हुई तो नहीं ना। यही तो सोच सोच कर मुझे हॉल उठ रही, जाने अब क्या होगा। उमर से मिली थी आज मैं। क्या अल्लाह का शुक्र है मामला तो सुलझ रहे हैं। रोशनी का मसला भी बखैर खूबी तय पा जाए तो मैं तो भाई अल्लाह के घर की राह लूंगा। अबा जी आप तो सोच रहे थे ना कि रोशनी को तलाक दिलवाएंगे। या इस बात की वजाहत मैं पहले ही कर चुका हूं। बड़े साहब बाहर पुलिस आई है। किस सिस्टम? वो रोशनी बीबी को लेने आए। और उमर भाई भी उनके साथ। कहां तक पहुंच गए? मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। रायन तुम अकेले नहीं जाओगे, मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। मजन मेरा ख्याल है कि उससे साफ साफ बात कर ली जाए तो अच्छा है, ये रोज रोज की झंझट खत्म हो जाए। इस मसले को हल हो ही जाना चाहिए। अब्बा जी एक बार फिर सोच लें, हो सकता है रोशनी ने उसे खुद बुलाया हो। क्यों क्यों बुलाया गया रोशनी उसे? क्यों रोशनी तुमने बुलाया उसे? नहीं बड़े अब्बा, मैंने उसे नहीं बुलाया, मैं क्यों बुलाऊंगी? सुन लिया तुमने सफिया, तो फिर ये बार बार तुम्हें यहाँ लेने क्यों आ जाता है? ड्रामा कर रही है ये, जानबूझ के मासूम बनने के लिए। ड्रामा करने की क्या जरूरत है इसे? मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ ताया जान, मैं नहीं जानती मैं उसे कैसे बुला सकती हूँ।
ऐसे उसकी हिम्मत कैसे हो सकती है? कभी वो तुम्हें उठा के ले जाता है, कभी पुलिस लेकर आ जाता है। तुम ये बार बार तमाशा बंद नहीं कर सकती हो? मैं कोई तमाशा नहीं करी फूफो जान। बड़े अब आप मेरा यकीन करें, मैं सच कह रही हूँ, मैं नहीं जानती। एक नया झूठ। अब्बा जी, ये आपकी चहेती पोती हम सबको बेवकूफ बना रही है। क्यों करेगी रोशनी ऐसा? तो असल बात ये बताती क्यों नहीं है? मैं तो कहती हूँ इसे उमर के साथ जाने दें। नहीं बड़े अब्बा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे उसके साथ नहीं जाना, प्लीज मुझे नहीं भेजे, प्लीज बड़े अब्बा। क्यों नहीं जाओगी? क्योंकि वो मुझे तलाक दे चुका।